हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। अभी तक प्रीवियस लेक्चर में जो है आपने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में उसके आगे का जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ब्रिक मेसनरी। इसमें आप जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हेडिंग आती है स्ट्रेचर। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेचर क्या होता है। तो ब्रिक का जो भी लॉन्गर फेसेस होते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रेचर। जैसे कि ये लॉन्गर फेस हो गया ब्रिक का, तो ये स्ट्रेचर हो गया। ये एक लॉन्गर फेस है तो ये भी स्ट्रेचर हो गया। तो हेडर की अगर बात करें तो हेडर क्या होता है कि जो भी शॉर्टर फेसेस होते हैं ब्रिक के वो कहलाते हैं हेडर। तो अगर आप टोटल स्ट्रेचर की बात करें तो एक ब्रिक में 4 स्ट्रेचर होंगे। और वही अगर हेडर की बात करें तो एक शॉर्टर फेस ये हो गया, एक बैक साइड का शॉर्टर फेस होगा, तो टोटल हेडर हो गए 2। नेक्स्ट हेडिंग है क्लोज़र। क्लोज़र क्या होता है? अगर किसी भी ब्रिक को, सपोज़ ये ब्रिक है, अगर इसको अलॉन्ग दी लेंथ कट करते हैं तो लेंथ के अलॉन्ग जो कट करेंगे पोर्शन वो कहलाता है क्लोज़र। क्लोज़र के डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला है क्वीन क्लोज़र। तो जैसे कि ये ब्रिक आप देख रहे हैं, अगर ब्रिक को अलॉन्ग दी लेंथ जस्ट हाफ कर दिया आपने तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसको रिमूव कर देते हैं, जो डार्क पोर्शन है ये कहलाता है क्लोज़र। तो अगर आपने ब्रिक को जस्ट हाफ कर दिया तो ये पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? क्वीन क्लोज़र। तो अगर क्वीन क्लोज़र की बात करें तो एक ये लेंथ आप देख रहे हैं और एक ये लेंथ देख रहे हैं, लेंथ तो फुल है पूरी ब्रिक की, यानी कि लेंथ जो है वो सेम है, बट विड्थ आप कितनी देख रहे हो? विड्थ पूरी विड्थ का, पूरी जो ब्रिक है पूरी ब्रिक की विड्थ की ये कितनी है? हाफ है। तो ओवरऑल विड्थ जो है इसमें हाफ होती है। नेक्स्ट है क्वीन क्लोज़र क्वार्टर। तो क्वीन क्लोज़र क्वार्टर में क्या होता है कि पहले आप क्वीन क्लोज़र हाफ़ बनाते हैं, ब्रिक को जस्ट हाफ़ करते हैं, उसके बाद उसका भी हाफ़ कर देते हैं, तो ये कहलाता है क्वीन क्लोज़र क्वार्टर। ये आप अलॉन्ग दी लेंथ ही कट कर रहे हैं, जब अलॉन्ग दी लेंथ कट करते हैं तो वो क्लोज़र कहलाता है। तो क्वीन क्लोज़र क्वार्टर का मतलब है कि क्वीन क्लोज़र हाफ़ का भी हाफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है किंग क्लोज़र। किंग क्लोज़र में क्या होता है कि कोई भी ब्रिक है तो आपने सपोज़ विड्थ का हाफ ले लिया और ये ओवरऑल लेंथ है इसका हाफ कर दिया, तो इसको जब आप कनेक्ट कर देते हैं और ये पोर्शन रिमूव कर देते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन ये जो बचता है ये आपका कहलाता है किंग क्लोज़र। तो किंग क्लोज़र अगर आपका मिला तो आप देख रहे होंगे कि वन लेंथ तो सेम है, ठीक है, और वन विड्थ जो है ये भी सेम दिख रही है। मींस वन विड्थ एंड वन लेंथ कैसी है? सेम है। और इधर से अगर आप देखें तो वन लेंथ कैसी हो गई? हाफ हो गई। अब इतना सा बचा है सिर्फ पोर्शन, तो वन लेंथ हाफ है। और इधर विड्थ की भी बात करें तो वन विड्थ कैसी है? हाफ है। तो ये कहलाता है किंग क्लोज़र। अगर आप एक लेंथ और एक विड्थ का हाफ करके कट कर देते हैं तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है ये कहलाता है किंग क्लोज़र। बेबल्ड क्लोज़र। बेबल्ड क्लोज़र में क्या होता है कि कोई भी ब्रिक है अगर आप इसका विड्थ का तो हाफ लें बट लेंथ फुल्ली रिमूव कर दें। अभी किंग क्लोज़र में हाफ ले रहे थे लेंथ, बट इसमें क्या करेंगे, जैसे कि सपोज़ ये लेंथ है तो इसको पूरा रिमूव कर दिया, यहाँ से ये पोर्शन कट किया और इसको रिमूव कर दिया, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है इसको क्या कहेंगे? बेबल्ड क्लोज़र। तो बेबल्ड क्लोज़र में अगर आप देखें तो वन लेंथ एंड वन विड्थ कैसी है? सेम है। वन विड्थ और वन लेंथ सेम हो गई। वन विड्थ की अगर इधर बात करें तो ये सिर्फ हाफ बची है, यानी वन विड्थ कैसी बची है? हाफ। और वही अगर वन लेंथ की बात करें तो कोई भी लेंथ नहीं है, फुल्ली रिमूव है, तो वन लेंथ इज रिमूव। ये हो गया आपका बेबल्ड क्लोज़र। बेबल्ड में विड्थ हाफ रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है मिटरेट क्लोज़र। मिटरेट क्लोज़र में क्या होता है कि सेम, जस्ट इसका अपोजिट कह दीजिए कि इसमें विड्थ को हाफ रख रहे थे, लेंथ रिमूव कर रहे थे, इसमें आप विड्थ को रिमूव कर देंगे। ये पूर्व पोर्शन है ब्रिक का कि जिसमें से वन एंड इज कट, इट इज़ द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक हुज वन एंड इज कट स्प्लेड और मिटरेट फॉर फुल विड्थ। आप इसमें क्या करते हैं कि जो विड्थ है, ये तो आपका हो गया किंग क्लोज़र, ये हो गया आपका बेबल्ड क्लोज़र, और मिटरेट क्लोज़र में क्या है, फुल विड्थ को रिमूव कर देते हैं और 45 टू 60 डिग्री एंगल पे ये पोर्शन यहाँ पर जहाँ आता है उसको कट कर देते हैं, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है ये क्या कहलाता है? मिटरेट क्लोज़र।
तो वन लॉन्गर फेस ऑफ द मिडरेट क्लोजर इज ऑफ फुल लेंथ ऑफ द ब्रिक वाइल अदर लॉन्ग फेयर फेस इज स्मॉलर इन लेंथ। तो आप इस टाइप में देख रहे होगे कि वन लेंथ और वन विड्थ कैसी है, सेम है, यानी वन लेंथ सेम है और वन विड्थ आपकी सेम है। बट आप इसमें देख रहे हो कि वन विड्थ क्या है, फुल्ली रिमूव है, और वन लेंथ कैसी है, ओवरऑल लेस है। क्लियर? तो ये कहलाता है मिडरेट क्लोजर। यानी कोई भी अगर आप ब्रिक को अलोंग दी लेंथ कट करेंगे तो सारे के सारे वो क्या कहलाएंगे, क्लोजर कहलाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है बैट। बैट क्या होता है कि कोई भी ब्रिक को अगर आप अलोंग दी विड्थ कट कर रहे हैं तो अलोंग दी विड्थ कट करेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो कहलाएगा बैट। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द ब्रिक्स कट अलोंग इट्स लेंथ, कट अलोंग इट्स विड्थ, यानी विड्थ के अलोंग कट करने पे जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो कहलाता है बैट। तो टाइप्स ऑफ बैट में देखिए, पहला है हाफ बैट। हाफ बैट में क्या है, जस्ट ब्रिक को आपने अलोंग दी विड्थ हाफ कट कर दिया तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ये आपका क्या कहलाएगा, बैट कहलाएगा। तो वही बैट में अगर आप देखें तो वन विड्थ तो सेम है, वन विड्थ ये भी सेम है, बट लेंथ कैसी है, दोनों लेंथ हाफ हैं, तो ये कहलाएगा हाफ बैट। थ्री क्वार्टर बैट, थ्री क्वार्टर बैट में क्या है कि जो ब्रिक है वो थ्री फोर्थ पार्ट जो है आप रिमेनिंग रखते हैं, यानी कि ये पार्ट आप रिमूव कर देते हैं। थ्री क्वार्टर बैट का मतलब है कि थ्री फोर्थ ऑफ द ब्रिक, ओवरऑल पूरी ब्रिक का अलोंग द विड्थ जब कट कर रहे हैं तो थ्री फोर्थ पार्ट रिमेनिंग रह जाए, ये कहलाता है थ्री क्वार्टर बैट। देख लीजिए इधर भी है थ्री क्वार्टर बैट लिखा हुआ है। थ्री क्वार्टर बैट का मतलब है कि थ्री फोर्थ पोर्शन, ये जो लेंथ है तो ये रिमेनिंग लेंथ कितनी बचेगी, थ्री फोर्थ ऑफ एल, जितनी भी लेंथ होगी उसका थ्री फोर्थ पार्ट होगा और इधर वन फोर्थ पार्ट होगा। तो जब इधर का पार्ट रिमूव कर देते हैं तो ये रिमेनिंग क्या बचता है, थ्री क्वार्टर, मीन्स थ्री फोर्थ ब्रिक बचती है, जिसको कहते हैं थ्री क्वार्टर बैट। बेबल्ड बैट में क्या होता है कि बेबल्ड बैट में आप इधर से ब्रिक को वन फोर्थ कट करते हैं, वन फोर्थ लेंथ लेते हैं, और इधर साइड से आप ब्रिक की वन फोर्थ लेंथ लेते हैं, तो जो पोर्शन बचता है उसको आप कट कर देते हैं, तो ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं बेबल्ड बैट, बेबल्ड बैट कहलाता है। तो जो भी पोर्शंस हैं आप विड्थ के अलोंग कट करेंगे वो सब कहलाएंगे बैट्स, और जो पोर्शन आप लेंथ के अलोंग कट करेंगे वो कहलाएंगे क्लोजर। नेक्स्ट आती है हेडिंग कोइन। कोइन क्या होता है, इट इज़ द एक्सटीरियर एंगल एट द फेस ऑफ वॉल दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि कोई भी ये वॉल के सपोज फेसेस हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनके बीच का एंगल या तो 90 डिग्री हो या इससे ग्रेटर हो। जैसे कि सपोज एक वॉल ये है, फिर एक वॉल आपने ये बनाई, तो ये तो इनर फेसेस कहलाएगा, इनर एंगल होगा, बट इसका एक्सटीरियर एंगल सपोज इसको आपने आगे बढ़ा दिया तो इसको आगे बढ़ाने पे इनके बीच का जो एंगल हुआ ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया, या अगर इसको आगे बढ़ा देंगे वॉल को तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री। मींस कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वॉल के फेसेस के वो या तो 90 डिग्री हो या 90 से ग्रेटर हो, तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, कोइन कहलाते हैं। आते हैं बॉन्ड्स की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन ब्रिक मेसनरी, यानी कि ब्रिक मेसनरी में बहुत सारे टाइप्स हैं बॉन्डिंग के। तो पहला जो बॉन्ड आता है उसको कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है देख लेते हैं कि सपोज सपोज एक लेयर आपने प्लेस करी तो आपने सबसे पहले क्या किया, हेडर बिछाया, हेडर प्लेस किया। हेडर क्या है, जो शोल्डर फेस है ब्रिक का। तो आप सपोज वॉल बना रहे हैं तो आपको इधर से शोल्डर फेस ही दिखेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर लगा देते हैं। क्वीन क्लोजर के बाद हेडर प्लेस करते हैं, फिर हेडर लगाते हैं, फिर आप हेडर प्लेस करते हैं, फिर आप हेडर प्लेस करते हैं। इस टाइप से आप क्या कर रहे हैं कि एक लेयर जब आपने बिछाई तो फर्स्ट लेयर किसकी हो गई, हेडर की। तो उसके बाद जब आप सेकंड लेयर प्लेस करेंगे तो वो जो है वो टोटल सेकंड लेयर किसकी होगी, स्ट्रेचर की। मींस एक कोर्स तो टोटल हेडर का हो गया तो सेकंड कोर्स आपका किसका होगा, स्ट्रेचर का। सपोज अगर आप ब्रिक की जो साइज़ है वो 20x10x10 एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मोर्टार भी लगाते हैं, तो ओवरऑल 20x10x10 स्टैंडर्ड साइज़ अगर ले रहे हैं इंक्लूडिंग मोर्टार, तो हेडर कितने का हो गया। सपोज ये ब्रिक है आपकी,
तो ये हेडर हो गया, ये 10 का हो गया, ये 20 का हो गया, क्लियर है। तो ओवरऑल स्ट्रेचर की लेंथ कितनी है 20 और हेडर की कितनी है 10, और इसका जब क्वीन क्लोजर लेंगे यानी कि इसका लेंथ के अलॉन्ग हाफ करेंगे तो क्वीन क्लोजर की विड्थ कितनी बचेगी 5, 10 का भी हाफ, क्लियर। तो अगर जब आप स्ट्रेचर प्लेस करते हैं तो आप मेजर करके करेंगे कि सपोज ये हेडर 10 का कवर हो गया प्लस 5 क्वीन क्लोजर प्लस हेडर का 5, तो ये यहाँ तक आ गया आपका स्ट्रेचर जो कितनी लेंथ कवर कर रहा है ओवरऑल 20। फिर सेम आप क्या करेंगे, फिर स्ट्रेचर प्लेस करेंगे 5 10 और 5, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेचर 5 10 और 5, ये क्या रिमेनिंग आ गया स्ट्रेचर। तो जो लास्ट में रिमेनिंग बचता है ये होता है 3/4 बैट। आप देख रहे हो हाफ ब्रिक और हाफ का भी हाफ, मीन्स ओवरऑल 3/4 पोर्शन हो गया, तो ये कहलाता है 3/4 बैट। और ये आपका आ गया क्वीन क्लोजर, सॉरी क्वीन क्लोजर। तो जैसे कि सपोज ये वॉल है, ये इस टाइप की वॉल आएगी, क्लियर। तो ये जो वॉल के पास ये एंगल जो क्या कहलाएगा वॉल के बीच का, ये कहलाएगा क्वीन। तो क्वीन के पास जो हेडर प्लेस करते हैं इसको कहते हैं आप क्वीन हेडर, क्लियर। तो जो क्वीन के पास हेडर होगा उसको क्वीन हेडर कहते हैं। हमेशा क्वीन क्लोजर को क्वीन हेडर के जस्ट नेक्स्ट में रखते हैं। ध्यान रखिएगा क्वीन क्लोजर को कभी भी स्टार्टिंग या एंड में आप नहीं प्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग या एंड में प्लेस कर दिया तो इसकी विड्थ कितनी है, बहुत कम है, 5 है, 20 का भी 1/4 यानी 5 हो गया, तो इतनी कम होती है कि जब लोड आता है तो ये डिस्प्लेस होने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। मीन्स इंग्लिश बॉन्ड क्या है, इंग्लिश बॉन्ड है कि जब आपका सपोज हेडर, फिर दूसरी लेयर में स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, तो अगर आप एक लेयर में हेडर, दूसरी लेयर में स्ट्रेचर, वन ओवर दी ईच अदर, मींस अल्टरनेट कोर्ट्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर प्लेस्ड ओवर ईच अदर, तो ये क्या कहलाएगा बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड कहलाएगा, कि एक लेयर में हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। तो अगर आप नॉर्मल बॉन्ड देखें तो इस टाइप का ही होगा कुछ, पहले हेडर प्लेस कर दिया, फिर स्ट्रेचर प्लेस किया, फिर हेडर प्लेस किया। तो आप जब इस टाइप का बॉन्ड बनाते थे जिसमें आप कोई भी किसी भी टाइप के बैट्स या क्लोज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो एक ये वर्टिकल अलाइनमेंट आपको मिल रहा है। सेम यहाँ पर भी एक वर्टिकल अलाइनमेंट मिल रहा है, एक ये वर्टिकल लाइन दिख रही है। तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं मिलना चाहिए इसीलिए आप क्लोज़र्स और बैट्स का यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो क्लोज़र्स और बैट्स का यूज़ सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, आप देख लीजिए कि सपोज़ क्या हुआ कि आपने कोई भी लोड अप्लाई किया, सपोज़ किसी भी हेडर पे आप लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो लोड जब आपने अप्लाई किया, तो जब आपने लोड अप्लाई किया तो क्या होगा, सपोज़ इस हेडर पे लोड आया तो ये क्या करेगा, जिसके कांटेक्ट में होगा उसी को लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी ये हेडर इस स्ट्रेचर को करेगा, ये स्ट्रेचर इस हेडर को लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मींस वर्टिकल अलाइनमेंट में होने की वजह से क्या हुआ कि जो लोडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सिर्फ एक लाइन में ही हो पाया। ये जो ब्रिक्स थी ये कोई भी लोड बियर नहीं कर रही हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि अगर लोड अप्लाई हो तो ये पूरी की पूरी वॉल पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे कि किसी पर भी ब्रिक पर ज़्यादा लोड ना आए और ऐसा ना हो कि कोई ब्रिक बिल्कुल भी लोड नहीं ले पा रही है, नहीं ले रही है। तो इससे क्या होगा, ब्रिक या वॉल के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं मिलना चाहिए, जब वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं मिलेगा तो ओवरऑल लोड जो है वो पूरी वॉल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, देख लीजिए, सपोज़ ये हेडर प्लेस किया, फिर आपने ये स्ट्रेचर प्लेस कर दिया, फिर जब नेक्स्ट लेयर की अगर आप बात करेंगे तो फिर से हेडर प्लेस करेंगे, तो ये हेडर आ गया, फिर यहाँ पे ये क्या आ गया, क्वीन क्लोज़र आ गया, फिर ये हेडर आ गया, फिर ये हेडर प्लेस किया आपने, फिर हेडर आ गया, ये हेडर आ गया और ये हेडर, तो इस टाइप से लेयर बनी। तो जब आप इसका टॉप फेस देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, टॉप फेसेस में ये हेडर है तो पीछे कैसे दिख रहा होगा, स्ट्रेचर दिख रहा होगा कुछ इस टाइप से, क्लियर। तो इस टाइप से जब स्ट्रेचर आ रहा होगा
तो टॉप फेसेस में आप देख रहे हो ये क्वीन क्लोजर पूरा आ गया, ये सारे के सारे फेसेस लॉन्गर फेसेस हैं, पीछे स्ट्रेचर दिख रहा होगा। अगर ये तो हो गई आपकी थिकनेस वन ब्रिक थिक, यानी कि अगर आप वन ब्रिक थिक की वॉल बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनाएंगे। बट अगर आपको सपोज 1.5 ब्रिक थिक की वॉल बनानी है, तो 1.5 ब्रिक थिक की वॉल बनाने के लिए क्या होगा, ये तो वन ब्रिक हो गई, आपको हाफ ब्रिक और लगानी है, तो आप क्या करेंगे, इस टाइप से लगा देंगे, एक स्ट्रेचर ऐसे लगा दिया, तो ये हाफ ब्रिक हो गई और ये फुल ब्रिक हो गई। तो कोई भी अगर आप 1.5 ब्रिक थिक की वॉल बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइप से बना देते हैं, क्लियर है, इस टाइप से आप वन ब्रिक थिक की वॉल, यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये हाफ क्वीन क्लोजर क्वार्टर लगा देते हैं और फाइनली आप 1.5 ब्रिक थिक की वॉल बना देते हैं। तो 1.5 ब्रिक थिक की वॉल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचर प्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश बॉन्ड। तो आप इसमें देख रहे हो कि अगर किसी भी वॉल पर लोड आएगा तो ये फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अगर किसी भी हेडर पे आया, आप देख रहे हो कहीं भी वर्टिकल अलाइनमेंट एक लाइन में नहीं मिल रहा है, ऑल्टरनेट तो मिल जाएंगे, ऑल्टरनेट ये मिल रहा है, फिर ये इसके ऊपर आएगा, फिर उसके ऊपर आएगा, बट आप एक के बाद एक जब तुरंत के तुरंत आपको एडजेसेंट नहीं मिल रहे होंगे। इसकी वजह से क्या होता है, किसी पे लोड आता है तो ये ओवरऑल जो है पूरी वॉल पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस टाइप से। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा ये जो है पूरी वॉल पर इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। तो ये कहलाता है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, क्वीन क्लोजर कभी भी स्टार्टिंग या एंड में प्लेस आप नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी थिकनेस और विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर ये एंड में प्लेस किया तो हो सकता है लोड अप्लाई होने पे ये डिस्प्लेस हो जाए, इसीलिए आप हमेशा जो है इसको मिडिल में ही प्लेस करते हैं, जस्ट कोइन हेडर के बाद प्लेस कर देते हैं। ये कोइन हेडर है और ये कोइन क्लोजर है, क्लियर है, डिफरेंट है, अलग अलग वर्ड है। कोइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोइन एंगल के पास में जो हेडर है उसको कहते हैं कोइन हेडर। एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेचर आ रहा है, सपोज ये स्ट्रेचर है, तो अगर इस हेडर के साथ इसकी लैपिंग देखें तो लैप हेडर के साथ कितनी आ रही है, हाफ लैप आ रही है ब्रिक का ओवरऑल। इसके साथ अगर आप देख रहे हो तो कितनी आ रही है, 1/4 ऑफ द ब्रिक, यानी कि आप क्वीन क्लोजर के साथ इस स्ट्रेचर की लैपिंग कितनी हो रही है, 1/4 हो रही है ब्रिक की, यानी ये 5 है और ये टोटल कितना है 20। फिर इस हेडर के साथ देख रहे हो आप तो ये भी 1/4 आ रही है। मीन्स अगर आप इस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं लोडिंग का, तो स्ट्रेचर का जो मिनिमम लैप होता है वो 1/4 तो होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि 1/4 से कम लैप हो जाए, तो इतना लैप अगर कम हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। स्ट्रेचर का किसी भी ब्रिक के साथ मिनिमम लैप 1/4 तो होना ही चाहिए, क्लियर है। देख लीजिए इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग दैट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर प्लेस्ड ओवर ईच अदर। मीन्स एक लेयर हेडर फिर स्ट्रेचर एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स। जो भी वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो होंगे तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन में ही होगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए आप क्वीन क्लोजर प्लेस करते हैं नेक्स्ट टू क्वीन हेडर, क्वीन हेडर के जस्ट नेक्स्ट में क्वीन क्लोजर प्लेस कर देते हैं, जिससे ओवरऑल जो है अलाइनमेंट ब्रेक हो जाता है, वर्टिकल जॉइंट्स नहीं मिलते और फाइनली आपकी लोडिंग जो है वो प्रॉपर पूरी वॉल पर हो जाती है। क्वीन क्लोजर इज़ नेवर प्लेस्ड आइदर एट द स्टार्टिंग और एट द एंड। किसी भी कोर्ट्स के स्टार्टिंग या एंड में प्लेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग या एंड में प्लेस कर दिया तो एज इट इज़ लाइबल टू गेट डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेस होने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस इन ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिक, ये देख लीजिए, जैसे कि अगर आप इस बात की बात कर रहे हैं, मैंने ये ब्रिक बनाई है 1.5 ब्रिक थिक की वॉल है, तो जब 1.5 ब्रिक थिक की वॉल है तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इधर से आप देख रहे हो तो हेडर दिख रहे हैं, वही अगर पीछे से देख रहे हैं तो ये लेयर किसकी दिख रही है, स्ट्रेचर की। मीन्स 1.5 ब्रिक थिक, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिक, ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिक, इसका मतलब है
कि आपको वॉल की जो थिकनेस है अगर इसमें है, ऑड मल्टीपल मतलब 1, 3, 5, ये तो ऑड हो गए, ऑफ हाफ ब्रिक थिक मींस 1.5, 3.5, 5.5, इस टाइप से अगर आप थिकनेस में वॉल बना रहे हैं, तो ऐसे 1.5 ब्रिक थिक की वॉल बनाई तो क्या हुआ, 1 की अगर बनाई तो इधर से भी हेडल दिख रहा होगा, उधर से भी हेडल दिख रहा होगा, बट 0.5 आगे बढ़ा दी यानी कि आपने इधर से तो स्ट्रेचर प्लेस कर दिया बट इधर से क्या दिख रहा है, हेडल। तो अगर आपकी वॉल ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिक की है तो 1 फेसेस से तो हेडल दिख रहा होगा, तो दूसरे फेसेस से क्या दिख रहा होगा, स्ट्रेचर। वही अगर यहाँ पर स्ट्रेचर होगा तो पीछे क्या दिख रहा होगा, हेडल। तो वही पॉइंट डिस्कस किया है इन्हें कि फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस इन ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिक, अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिक में थिकनेस है तो हर कोर्स शो करेगा हेडर ऑन वन फेस एंड स्ट्रेचर ऑन अदर फेस। तो एक कोर्स में हेडर दिख रहा होगा तो दूसरे कोर्स में दूसरे फेस पे क्या दिख रहा होगा, उसी कोर्स में दूसरे फेस पे स्ट्रेचर। फिर दूसरे कोर्स की बात करेंगे तो अगर एक फेस पे स्ट्रेचर दिख रहा होगा तो दूसरे फेस पे क्या दिख रहा होगा, हेडर। मिनिमम लैप अवेलेबल फॉर स्ट्रेचर इन ईच कोर्स इज 1/4 दी लेंथ ऑफ दी ब्रिक, यानी कि जो मिनिमम लैप होना चाहिए स्ट्रेचर के साथ ब्रिक का वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1/4 तो होना ही चाहिए। देख लीजिए ये वॉल आप देख रहे हैं जॉइंट्स की, तो इसका जब टॉप व्यू देख रहे हैं, पहले आपने हेडर प्लेस किया, फिर क्वीन क्लोजर लगा दिया, फिर हेडर इस टाइप से प्लेस कर दिया। वही इधर से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपने हेडर लगाया है, अगर आप इस साइड की बॉल से देखेंगे तो ये स्ट्रेचर हो जाएगा, तो इधर आपने सारे स्ट्रेचर प्लेस कर दिए, उसके बाद आपने हेडर लगा दिए। क्लियर है, यानी कि एक फेस में अगर आप, ये तो आप सिंगल लेयर देख रहे हैं, जब आप सिंगल लेयर देख रहे हैं इस टाइप से देख सकते हैं, ये हेडर, फिर ये क्वीन क्लोजर, फिर हेडर, हेडर सारे प्लेस कर दिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेयर किसकी आ गई, स्ट्रेचर की, ये स्ट्रेचर की लेयर आ गई, फिर इसके ऊपर हेडर की लेयर, फिर स्ट्रेचर की, फिर हेडर की, फिर स्ट्रेचर की। और वही चीज़ इधर आप देख रहे हैं, तो ये हेडर आ रहा तो इधर क्या हो रहा था, स्ट्रेचर बन रहा था, ये स्ट्रेचर की लेयर, फिर दूसरी लेयर हेडर की, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। तो इस टाइप का बॉन्ड कहलाता है इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है, कोई भी अगर आप इंग्लिश बॉन्ड बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश बॉन्ड में जब आप बॉन्ड बनाते हैं तो आपको पता है कि इंग्लिश बॉन्ड में एक लेयर हेडर की होती है तो दूसरी लेयर स्ट्रेचर की होती है, बट फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, एक ही लेयर में ऑल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर चलते हैं, ये हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, इस टाइप से बॉन्डिंग चलती है। सेकंड अगर आप लेयर देखें तो क्या होगा, स्ट्रेचर आएगा पहले, तो ये 5, 10, 5 और 5 मींस ओवरऑल 20 लेंथ का स्ट्रेचर होता है, फिर हेडर यहाँ तक आ जाएगा, फिर आपका ये स्ट्रेचर आएगा, ये 5, 10 और 5, तो ये आपका स्ट्रेचर आ गया, फिर ये आपका फाइनली क्या आ गया, 3/4 बैट। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि कोई इंग्लिश बॉन्ड हो चाहे फ्लेमिश बॉन्ड, जब अलाइनमेंट जो है ये वर्टिकल जॉइंट्स हैं, इनको ब्रेक करने के लिए आप क्या बना रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्वीन क्लोजर और 3/4 बैट्स का यूज़ करते हैं। क्लियर, देख लेते हैं कि पहले आप क्या कर रहे हो, हेडर, फिर स्ट्रेचर, हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर ऊपर स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, मींस इस टाइप से अगर बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, फ्लेमिश बॉन्ड। और इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता था, एक ही लेयर में हेडर, फिर दूसरी लेयर में स्ट्रेचर प्लेस करते थे, बट इसमें फ्लेमिश में एक ही लेयर में हेडर, फिर नेक्स्ट में स्ट्रेचर, फिर नेक्स्ट हेडर, इस टाइप से प्लेस करते हैं। बट आप देख रहे हो कि इस टाइप की बॉन्डिंग में ये फिर से वर्टिकल जॉइंट मिल रहे हैं आपको, वर्टिकल अलाइनमेंट मिल रहा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपने क्या किया, क्वीन क्लोजर और 3/4 बैट्स का यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से वॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओवरऑल लोड का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी वॉल पर हो पाया, बट इसकी वजह से क्या होगा, पूरी वॉल पर नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक वर्टिकल लाइंस में ही लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ ब्रिक तो बहुत लोड ले रही होंगी और कुछ ब्रिक बिल्कुल भी लोड नहीं ले रही होंगी, इसलिए वॉल ब्रेक हो सकती है। इसीलिए आप क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर और 3/4 बैट्स का यूज़ करते हैं। देख लीजिए फिर आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट लेयर प्लेस करी, तो नेक्स्ट लेयर किसकी आएगी, हेडर की आएगी, फिर ये क्वीन क्लोजर आ जाएगा, फिर ये स्ट्रेचर आ जाएगा यहाँ तक, फिर ये हेडर आएगा,
और फिर ये फाइनली स्ट्रेचर आ जाएगा। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग है, आपको पता है कि ये क्या है, ये दूसरा फेस होगा इधर वॉल का, तो इधर साइड, तो इनके ये बीच का एंगल क्या कहलाएगा, कोइन। तो ये हेडर क्या होगा आपका, कोइन हेडर, और ये आपका क्या कहलाएगा, कोइन क्लोजर। तो जब आप टॉप फेस बना रहे होते हैं वॉल का, तो आप देख रहे होंगे कि जब टॉप फेसेस आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा कि आपको पता है कि ये जो हेडर है तो ये पीछे कैसे आ रहा होगा, स्ट्रेचर आ रहा होगा लाइक दिस, ये क्वीन क्लोजर इस टाइप से आ रहा होगा। और ये स्ट्रेचर जब प्लेस रहे तो आप जब देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आ रहा होगा स्ट्रेचर, फिर ये हेडर आपका इस टाइप से आएगा और ये स्ट्रेचर कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से टॉप फेसेस दिख रहा है। फ्लेमिश वॉन्ड हमेशा 1.5 ब्रिक थिक का मिनिमम होता है, मिनिमम इतनी थिकनेस की तो बनानी होती है वॉल, अदरवाइज फ्लेमिश वॉन्ड नहीं बनेगा। तो जब आप जैसे कि सपोज ये कितनी थिकनेस हो गई 0.5, अब आपको बनानी है 1.5 ब्रिक थिक, यानी कि हाफ ब्रिक तो ये हो गई, वन ब्रिक और लानी है, तो कुछ इस टाइप से कवर कर सकते हैं आप, एक स्ट्रेचर प्लेस कर दीजिए इस टाइप से, तो ओवरऑल ये थिकनेस कितनी हो गई, 1.5 ब्रिक थिक, यहाँ तक 1.5 ब्रिक थिक हो गई। अब इसको ओवरऑल कवर करना है, कैसे करेंगे बताइए। तो आप क्या करेंगे, अगर इसको जो है ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको कवर कर दिया, ये यहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हैं, आपको पता है हाफ ब्रिक की जगह बची है तो ये क्या हो गया, हाफ बैट। सेम यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये एक स्ट्रेचर लगा दिया इस टाइप से, तो ये रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है इसको ब्रिक लगा दी यहाँ पे हाफ, तो ये क्या बचा, ये भी बचा हाफ बैट, क्लियर। अब आपने क्या किया, एक पूरा स्ट्रेचर यहाँ पे लगा सकते हैं और सेम यहाँ पे भी आप पूरा स्ट्रेचर लगा सकते हैं, बट ये क्वीन क्लोजर की जगह आ गई तो आप क्वीन क्लोजर क्वार्टर को यहाँ प्लेस कर दें, क्योंकि क्वार्टर की जगह बची, यानी हाफ का भी हाफ विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, तो ये क्या हो गया, क्वीन क्लोजर क्वार्टर, क्लियर है। तो इस टाइप से ओवरऑल आप टॉप फेसेस कवर कर देते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड बनाने के लिए कैसे कवर करना है, इस टाइप से बना देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम थिकनेस फ्लेमिश बॉन्ड की 1.5 ब्रिक थिक रहती है। तो जब आप देख रहे होंगे कि जब आपने इंग्लिश बॉन्ड बनाया, तो इंग्लिश बॉन्ड में तो इजी था, कुछ नहीं था, सिंपल स्ट्रेचर थे, फिर आपने इस टाइप से स्ट्रेचर प्लेस कर दिए। बट फ्लेमिश बॉन्ड बनाने के लिए आपको सोचना पड़ा कि इसको थिकनेस को ओवरऑल कैसे कवर किया जाए, तो आपने यहाँ पर हाफ बैट का यूज़ कर लिया, इस टाइप से स्ट्रेचर प्लेस कर दिए, तब ये ओवरऑल फ्लेमिश बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो फ्लेमिश बॉन्ड आपको देखने में लग रहा होगा इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा टिपिकल है कंपैरेटिवली इंग्लिश बॉन्ड के। तो जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो उसमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्किल्ड लेबर होगा तभी आपका जो है वो सोच पाएगा कि कैसे कवर करनी है ओवरऑल थिकनेस। वही इंग्लिश बॉन्ड है तो इंग्लिश बॉन्ड ईजिली बना सकते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड, अगर आप फ्लेमिश बॉन्ड बना रहे हैं, देख लीजिए, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग इन विच हर ईच कोर्स जो है कंसिस्ट करता है ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के नेक्स्ट में, बट उसमें कैसे था, ओवर था, एक दूसरे के ओवर प्लेस कर रहे थे, इसमें क्या है, एक के बाद एक प्लेस कर रहे हैं। इसमें अभी अलाइनमेंट ब्रेक करने के लिए वर्टिकल जॉइंट्स के आप क्या कर रहे हो, क्वीन क्लोजर प्लेस कर रहे हो नेक्स्ट टू क्वीन हेडर। फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस इन ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिक, जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिक में आप बना रहे हैं, मींस आपने देखा कि 1.5 ब्रिक थिक की वॉल इसमें भी बना रहे हैं और 1.5 ब्रिक थिक की इंग्लिश बॉन्ड भी बना रहे हैं, तो जो इंग्लिश बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली फ्लेमिश बॉन्ड से। इंग्लिश बॉन्ड इज़ फाउंड टू हैव हायर स्ट्रेंथ देन फ्लेमिश बॉन्ड। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो देखा गया है वो है इंग्लिश बॉन्ड, सबसे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, लोड बियर कर लेता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। वही फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, अगर आप सेम थिकनेस में बना रहे हैं इंग्लिश बॉन्ड और सेम थिकनेस में आप बना रहे हैं फ्लेमिश बॉन्ड, तो इंग्लिश बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कंपैरेटिवली फ्लेमिश बॉन्ड के। फ्लेमिश बॉन्ड का
यूज़ कहाँ किया जाता है? इंग्लिश बॉन्ड का आप सभी जानते हो, घरों में जो वॉल्स होती हैं लोड बियरिंग वॉल्स, वहाँ पर आप इंग्लिश बॉन्ड का यूज़ करते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड का आप यूज़ जो है वो आप अपीयरेंस दिखाने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनी होती हैं, कोई भी शोरूम्स होते हैं, वो सिंपली वॉल को अपीयरेंस दिखाते हैं। तो जब वो वॉल का अपीयरेंस दिखाते हैं तो वहाँ पर सिंपली आप जो है फ्लेमिश बॉन्ड का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लेमिश बॉन्ड देखने में बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होता है, अच्छा होता है, देखने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाफ बैट्स का यूज़ किया गया है और हेडर स्ट्रेचर इस टाइप से प्लेस करे गए हैं नेक्स्ट में, तो ये देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है, बट स्ट्रेंथ उतनी नहीं देता जितना इंग्लिश बॉन्ड देता है। क्लियर है? तो इस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। तो जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला कहलाता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का मतलब है कि आपको एक फेस से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? फ्लेमिश दिखेगा। सिंगल फ्लेमिश है तो सिंगल दिखेगा फ्लेमिश, बट वही है कि आप अदर फेस से देखेंगे तो आपको वहाँ पर इंग्लिश बॉन्ड दिखेगा। तो ये कहलाता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, कि एक फेस से देखने पे तो फ्लेमिश दिख रहा है और दूसरे फेस से देखने पे आपको इंग्लिश बॉन्ड दिख रहा है। देख लीजिए कि सपोज़ क्या होता है कि कोई भी वॉल बनती है तो दो वॉल को एक साथ जॉइंट बना के बनाते हैं आप वॉल। तो जब आपने फ्लेमिश बॉन्ड बनाया, सिंगल फ्लेमिश आप बना रहे हैं, तो सपोज़ सबसे पहले आपने क्या किया, ये टॉप फेसेस देख रहे हैं वॉल का। जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से ये हेडर बिछाया आपने, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, क्वीन क्लोज़र लगाएंगे, फिर इसके बाद आप क्या प्लेस करेंगे, स्ट्रेचर प्लेस करेंगे, फिर आपको पता है कि आप ये हेडर प्लेस करेंगे, फिर ये स्ट्रेचर प्लेस करेंगे। तो इस टाइप से आप वॉल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्लियर है? फिर ये हेडर प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद आपको पता है कि आपको ये तो हो गया एक फेस, 1.5 ब्रिक थिक की वॉल है, ये कितनी हो गई, 1 ब्रिक हो गई। इसके ऊपर आपको क्या करना है, टॉप फेस स्ट्रेचर का लाना है। तो आप इधर अगर इधर से देख रहे हैं इस वॉल के लिए तो ये हेडर हो गया और ये स्ट्रेचर हो गया, टॉप व्यू जब देख रहे हैं। जब आप इस वॉल के लिए देखेंगे तो ये क्या हो गया, स्ट्रेचर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेडर आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, ये हेडर सिर्फ यहाँ तक प्लेस करते हैं पहले, उसके बाद आप इसको कवर कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि आपको सिंगल फ्लेमिश बनाना है। तो सिंगल फ्लेमिश का मतलब है कि एक फेस आपका कैसा रहे, एक फेस तो फ्लेमिश रहे और दूसरा फेस कैसा रहे, इंग्लिश। तो आप देख रहे हो कि ये पूरी वॉल आप बन गई, टॉप व्यू देख रहे हैं। तो आप इधर का जब फेसेस देखेंगे तो ये हेडर हो गया, ये स्ट्रेचर हो गया, ये हेडर हो गया, ये स्ट्रेचर, तो ये तो कैसा दिख रहा है, फ्लेमिश। बट आप दूसरे फेस से जाएंगे तो आपको ये सिंपली क्या दिख रहे हैं, सारे के सारे स्ट्रेचर। इसका मतलब है ये बॉन्ड कैसा हो गया, इंग्लिश बॉन्ड हो गया, क्योंकि इसके ऊपर जो फेस आएगा वो सिर्फ हेडर का होगा, ये फेस हो गया स्ट्रेचर का। अब आप इधर से जब वॉल कवर करेंगे तो आपको पता है, इधर की वॉल को जब आप देखेंगे तो आपको पता है ये क्या आ रहा है, ये स्ट्रेचर हो गया और ये हेडर हो गया इस वॉल के लिए। फिर आप क्या करेंगे, फिर स्ट्रेचर को प्लेस करेंगे तो आपको पता है कि सपोज़ ये स्ट्रेचर आया, अब यहाँ पे क्या आएगा, हेडर आएगा। तो जब हेडर जब आप प्लेस करेंगे तो ये तो आपने जस्ट इतना कवर कर दिया, बट पूरा हेडर यहाँ तक तो नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ इतनी 3/4 ब्रिक आप लगा देते हैं, लॉन 3/4 ब्रिक का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, क्लियर है? तो बट आप देखेंगे तो हेडर प्लेस करेंगे तो हाफ ब्रिक और हाफ ब्रिक यहीं तक आएगी, क्योंकि ये 1/4 पोर्शन हो गया। तो जब आप हेडर प्लेस करेंगे तो कुछ यहाँ तक आ रहा होगा, क्लियर है? फिर ये आप स्ट्रेचर प्लेस कर देंगे। अब आपको कवर करना है ओवरऑल 1.5 ब्रिक थिक की वॉल, तो आपको पता है कि 1.5 ब्रिक थिक की वॉल बनानी है। तो ये हेड यहाँ पे जब अगर ये स्ट्रेचर है, आपने क्या किया, सिंपली आपको सिंगल फ्लेमिश बनाना है, आपने क्या किया, यहाँ पर भी एक स्ट्रेचर प्लेस कर दिया, सॉरी इसको कवर कर दिया आपने। जब ये हाफ पोर्शन आया, यहाँ तक आया, आपने ये कवर कर दिया, सेम आपने यहाँ पर भी कवर कर दिया, तो ये तो 1 ब्रिक हो गई। फिर आपने क्या किया, यहाँ से आपने शुरू कर दिया हाफ ब्रिक, ये ब्रिक एक पूरी ब्रिक लगा दी, इस हेड यहाँ पे इसके लिए स्ट्रेचर हो गया, फिर यहाँ से ये स्ट्रेचर आ गया, फिर यहाँ से ये स्ट्रेचर आ जाएगा, क्लियर है? तो इस टाइप से ओवरऑल ये क्या आ गया आपका, स्ट्रेचर। तो
तो इस टाइप से क्या होता है कि ये वॉल कंस्ट्रक्ट हो जाती है। जब आप टॉप व्यू देखते हैं किसी भी वॉल का, ये एंगल पोर्शन कहलाता है कि जब आप कोई भी वॉल बनाते हैं तो दूसरी वॉल को अटैच करके ही बनाते हैं, जिससे जॉइंट्स बनते चले जाएँ, फाइनली ब्रिक बन जाए। तो आप पहला कोर्स तो बिछाते हैं दोनों में, उसके बाद जो है आप ये वॉल पूरी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, फिर आप ये सेकेंड वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो आप इधर देख रहे होंगे कि सिंगल फ्लैमिश में आपने देखा कि ये इधर से देख रहे हो तो ये फेसेस कैसा दिख रहा है आपको, फ्लैमिश, क्योंकि स्ट्रेचर हेडर आ रहा है। फिर वही दूसरे फेस से आपने देखा तो आपको कैसा दिख रहा है, इंग्लिश। अब इधर से इस वॉल के लिए देखें तो इस आपके लिए ये हो गया हेडर स्ट्रेचर, तो ये तो फ्लैमिश हो गया। बट इसके लिए दूसरे फेस से जब वॉल को देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, ये सिर्फ स्ट्रेचर दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये कैसा हो गया, इंग्लिश मॉन्ड। तो सिंगल फ्लैमिश का मतलब होता है कि एक फेस से तो आपको फ्लैमिश दिख रहा हो पर दूसरे फेस से कैसा दिख रहा हो, इंग्लिश बॉन्ड दिख रहा हो। तो ये बॉन्ड कहलाता है आपका सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड। क्लियर है? तो जो आप नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड फ्लैमिश बॉन्ड देखेंगे तो आपको पता है कि एक तो सिंगल फ्लैमिश हो गया, दूसरा फ्लैमिश बॉन्ड कहलाता है डबल फ्लैमिश बॉन्ड। डबल फ्लैमिश का मतलब होता है कि दोनों फेसेस से अगर आप देख रहे हैं तो आपको कैसे दिख रहे हैं, फ्लैमिश, दोनों फेसेस आपको फ्लैमिश दिख रहे हैं। क्लियर है? कैसे देख लीजिए कि सपोज आपने क्या किया, ये एंगल पोर्शन आपने देखा, तो जब एंगल देखा तो आपने पता है आपको कि पहला फेस क्या आएगा। सपोज इस वॉल में आपने हेडर प्लेस किया, फिर आप ये क्या लगा देंगे, क्वीन क्लोजर लगा देंगे, फिर आप क्या करेंगे, स्ट्रेचर हेडर, फिर स्ट्रेचर आ गया ये, फिर आपको पता है फिर ये हेडर आ जाएगा, फिर ये स्ट्रेचर आएगा, फिर ये हेडर आएगा, इस टाइप से ओवरऑल बॉन्ड बनता रहेगा। बट जब आप दूसरा फेस देख रहे हैं तो इस फेस के लिए आप देख रहे हो इधर बॉल के लिए, इधर के लिए तो आपको ये दिख रहा है, इधर के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेचर आ गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेडर आना चाहिए। तो आपने ये हेडर सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, यानी कि ये थ्री फोर्थ ब्रिक हो गई, आपने थ्री फोर्थ ब्रिक यहाँ पर लगा दी। इसके बाद आपने क्या किया, एक स्ट्रेचर प्लेस किया, फिर आपने ये हेडर लगा दिया, तो हेडर थोड़ा सा यहाँ आगे तक आएगा क्योंकि ये पोर्शन तो यहाँ थ्री फोर था, फिर आपने ये स्ट्रेचर प्लेस कर दिया। अब आपको ओवरऑल इधर 1.5 ब्रिक थिक की वॉल कवर करनी है, तो आपको पता है ये हेडर आया, फिर ये स्ट्रेचर आया। क्लियर है? और ये स्ट्रेचर आ गया तो नेक्स्ट फेज पे क्या आ जाएगा, हेडर आ जाएगा, तो आपने ये हेडर प्लेस कर दिया। ये जो पोर्शन बचा ये किसका है, हाफ ब्रिक का है, आपने हाफ ब्रिक यहाँ पर लगा दी। फिर सेम यहाँ पर भी आपने क्या किया, ये स्ट्रेचर प्लेस किया और ये आपने हाफ ब्रिक लगा दी। इसके बाद ये रिमेनिंग पोर्शन स्ट्रेचर का बचा। तो अगर आप देख रहे हैं अब इधर से अगर आप वॉल को कंप्लीट करेंगे तो आपको पता है ओवरऑल क्या आ रहा होगा, ये क्या है, इधर से ये स्ट्रेचर है तो नेक्स्ट पोर्शन क्या आ रहा होगा, हेडर आ रहा होगा। हेडर हाफ एंड हाफ कहाँ तक आएगा, ओवरऑल थोड़ा सा इसके आगे तक आ रहा होगा। आप जब इसको आगे तक ये कवर करेंगे तो यहाँ तक आएगा और ये जो पोर्शन बचा तो ये कितना होगा, हाफ बैट का होगा, आपने प्लेस कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया, एक ये स्ट्रेचर लगा दिया, फिर आपने क्या किया, एक हाफ बैट लगाया, हाफ बैट लगा के आपने ये ब्रिक का पोर्शन हाफ बैट कवर कर दिया, फिर आपने ये स्ट्रेचर लगा दिया। उसके बाद इधर जो है जब ये हेडर आया, ये स्ट्रेचर आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेडर आएगा। क्लियर है? तो ये जो वॉन्ड है अगर आप इस फेस से देखें तो हेडर स्ट्रेचर, तो ये कैसा दिख रहा है, फ्लैमिश। बट वही अगर आप दूसरे फेस से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, तो इस फेस से भी फ्लैमिश दिख रहा है। वही इधर फेस से देखेंगे आप तो स्ट्रेचर हेडर, इस फेस के लिए तो ये स्ट्रेचर हो गया, ये हेडर हो गया। वही अगर आप दूसरे फेस से देख रहे हैं तो ये हेडर, ये स्ट्रेचर, ये हेडर स्ट्रेचर, मींस दोनों फेसेस से आपको क्या दिख रहा है, फ्लैमिश दिख रहा है। तो ये बॉन्ड क्या कहलाता है, डबल फ्लैमिश बॉन्ड। तो जो सिंगल फ्लैमिश होता है वो डबल फ्लैमिश से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि उसमें इंग्लिश बॉन्ड भी आ गया, इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। इसीलिए सिंगल फ्लैमिश में एक फेस से तो फ्लैमिश और दूसरे फेस से इंग्लिश बॉन्ड है। क्लियर है? अगर आपको दोनों फेसेस से अपीयरेंस कहीं दिखाना हो तो आप क्या यूज़ कर लेंगे, डबल फ्लैमिश। बट आपको अगर खाली सामने से एक ही फेस से अपीयरेंस दिखाना होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, सिंगल फ्लैमिश का यूज़ कर लेंगे। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए फ्लैमिश में, फ्लैमिश मॉड इज एस्थेटिकली मोर प्लीजिंग, यानी अपियरिंग वाइज और देखने के लिए अगर आप देखो लुकिंग वाइज कैसा है, बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है, अच्छा है देन इंग्लिश मॉड, इंग्लिश मॉड के कंपैरेटिवली, बट इट रिक्वायर्स स्किल्ड मेसनरी वर्क, यानी कि इसमें स्किल्ड मेसनरी वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है टॉप व्यू बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इसीलिए आप क्या करते हैं इंग्लिश मॉड में उतनी ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, बट फ्लैमिश मॉड में स्किल्ड वर्क की रिक्वायरमेंट है। फ्लैमिश बॉन्ड इज़ फाउंड टू बी मोर इकोनॉमिकल, जब फ्लैमिश बॉन्ड बनाया गया और सेम थिकनेस में इंग्लिश बॉन्ड बनाया गया तो इसमें जो हाफ बेड्स आ रहे थे तो ये जो है इनकी वजह से ओवरऑल जो ब्रिक्स में वेस्टेज हो रहा था वो कम हो रहा था, इसीलिए ये बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड के कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल है। अब यहाँ हाफ बेड यूज़ हुआ तो रिमेनिंग बचा हुआ यहाँ यूज़ हो गया, तो इस टाइप से ओवरऑल जब कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ तो जो पूरा वेस्टेज बचा वो इंग्लिश बॉन्ड के कंपैरेटिवली इसमें कम था। फ्लैमिश बॉन्ड इज़ फाउंड टू बी मोर इकोनॉमिकल दैन इंग्लिश बॉन्ड, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हाफ बेड्स आर यूज इन दिस केस, बहुत सारे हाफ बेड्स यूज हो गए तो बचे हुए यहाँ यूज हो गए, जिसकी वजह से जो वेस्टेज था ब्रिक का वो कंपेरेटिवली लेस था। तो आप देख रहे हैं पहले ये हेडर ब्रेस हुआ, फिर क्वीन क्लोजर लग गया, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर सेकेंड लेयर में स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, फिर लास्ट में थ्री क्वार्टर बेड्स आ गए। तो इस टाइप से ओवरऑल जो है बॉन्ड कंप्लीट हो गया। जब आप टॉप व्यू, मैंने ये टॉप व्यू बना के दिखाया था कि पहले हेडर फिर ये क्वीन क्लोजर लगा दिया तो इतना पोर्शन रिमेनिंग यहाँ कवर कर दिया आपने, फिर ये स्ट्रेचर प्लेस किया, फिर ये हेडर। अगर आप ये देखें तो आपको ये सिंगल फ्लैमिश दिख रहा है, डबल फ्लैमिश आप इधर से देखो इस वॉल से तो स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, यानी इधर से फ्लैमिश दिख रहा है, बट इधर से अगर जाके देखेंगे तो आपको स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, इधर से भी आपको फ्लैमिश दिख रहा है, वही इस वॉल पे अगर इधर देखें तो स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, ये फ्लैमिश है, और इधर से अगर आप देखें तो ये स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, तो इधर से भी आपको फ्लैमिश दिख रहा है। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया? डबल फ्लैमिश बॉन्ड। तो ये डबल फ्लैमिश बॉन्ड आपको दिखाया गया है। सिंगल फ्लैमिश में क्या होगा कि एक साइड से तो फ्लैमिश दिख रहा है बट इधर से कैसा दिख रहा होगा? सिंगल इंग्लिश बॉन्ड दिख रहा होगा, क्लियर है? तो फ्लैमिश बॉन्ड ओवरऑल कैसा है? इकोनॉमिकल तो है और अपियरिंग वाइज भी बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है। जब आपको सिर्फ अपियरिंग दिखाना, अपियरेंस अच्छी दिखानी है तो आप सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं वहाँ? फ्लैमिश बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो है इंग्लिश बॉन्ड का आप यूज़ करेंगे, क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड सिंपली आप जानते हैं स्ट्रेचर, फिर स्ट्रेचर प्लेस कर दिया, फिर उसके ऊपर स्ट्रेचर। तो इस टाइप से जब बॉन्ड बनाते हैं तो एक ये फिर से वर्टिकल जॉइंट मिल जाता है इसको ब्रेक करने के लिए, जिससे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। आप सपोज यहाँ लोड लगा तो ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है, तो एक वर्टिकल लाइन में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसीलिए इस वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए आपने क्या किया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ बेड्स यूज़ कर लिए। स्ट्रेचर बॉन्ड में अलाइनमेंट ब्रेक करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? हाफ बेड, वो भी एक लेयर में, फिर अल्टरनेट। जैसे आपने क्या किया, ये आपने हाफ बेड यूज़ किया, फिर स्ट्रेचर प्लेस कर दिया, फिर स्ट्रेचर, फिर स्ट्रेचर, फिर हाफ बेड लगा दिया, फिर ऊपर क्या करेंगे? सिर्फ स्ट्रेचर प्लेस कर देंगे। तो इस टाइप से जो जॉइंट्स होते हैं आप देख रहे हो कि ये कटते चले जा रहे हैं, कोई भी वर्टिकल जॉइंट नहीं आ रहा, फिर आपने ये हाफ बेड लगा दिया, फिर आपने स्ट्रेचर प्लेस किया, फिर ऊपर स्ट्रेचर आ गया। तो इस टाइप से ये स्ट्रेचर बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। स्ट्रेचर बॉन्ड में आप जानते हैं कि स्ट्रेचर बॉन्ड सिर्फ हाफ ब्रिक थिक का ये दिख रहा है, तो कहीं भी अगर पार्टीशन वॉल बनानी हो, पार्टीशन जैसे कि टॉयलेट्स और वॉशरूम्स वगैरह की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पर आप जानते हैं लोड को उतना बियर नहीं करवाना है, वहाँ सिर्फ पार्टीशन के पर्पस है आपका, तो वहाँ पर आप किस टाइप का बॉन्ड यूज़ करते हैं? स्ट्रेचर बॉन्ड। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड अलॉन्ग द स्ट्रेचर, जिसमें सारी की सारी ब्रिक्स स्ट्रेचर के अलॉन्ग बिछाई गई हैं, जिसमें कि अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए वर्टिकल जॉइंट के आप क्या यूज़ करें? हाफ बेड्स आर यूज्ड इन ईच अल्टरनेट कोर्स, हर अल्टरनेट कोर्स में आप क्या यूज़ कर रहे हो? हाफ बेड्स का यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है? तो हाफ बेड्स का यूज़ कर लेते हैं जिससे कि ओवरऑल अलाइनमेंट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट बॉन्ड है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड में क्या है कि कोई भी ब्रिक्स जो है वो सारी की सारी कैसे प्लेस की जाएंगी? हेडर के अलॉन्ग। तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड अलॉन्ग दी हेडर।
सारी की सारी ब्रिक्स हेडर के अलोंग बिछाई जाएंगी। अब जैसे कि ये हेडर प्लेस किया तो ये हेडर आया, बट इसमें क्या है कि आपने कोई भी बैट्स और क्लोजर्स नहीं लगाए, तो इसीलिए वर्टिकल जॉइंट्स मिल गए, जिसकी वजह से लोड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। पूरी वॉल पर आप चाहते हो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसीलिए आपने क्या किया कि जब हेडर बॉन्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 3/4 बैट्स का यूज़ कर लेते हैं एक ही लेयर में। अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए 3/4 बैट्स यूज्ड इन ईच अल्टरनेट कोर्स। इधर 3/4 बैट लगा दिया, फिर आपने अल्टरनेट उधर साइड में लगा दिया, फिर इधर लगा दिया, तो इस टाइप से क्या होता है, आप देख रहे हो कि सारे के सारे अलाइनमेंट ओवरऑल क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं। देख लीजिए कि सपोज़ आपने क्या किया, पहली लेयर आपने किसकी प्लेस करी, हेडर की सारी करनी है, तो आपने सबसे पहले 3/4 बैट लगा दिया, उसके बाद आपने हेडर प्लेस किया, फिर हेडर प्लेस किया, इस टाइप से हेडर प्लेस करके फिर आपने क्या किया, 3/4 बैट लगा दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब ऊपर की जो लेयर होगी वो सारी हेडर की चलेगी, उसमें कोई भी आप बैट्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हेडर बॉन्ड में जॉइंट को ब्रेक करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आप 3/4 बैट का यूज़ करते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपने क्या किया, हेडर प्लेस किया तो यहीं तक आएगा क्योंकि ये 3/4 है, फिर इसका हाफ हाफ हाफ, फिर ये हाफ यहाँ तक आ गया, क्लियर है। फिर इसके ऊपर की लेयर फिर से आप सेम यही प्लेस कर देंगे, तो इस टाइप से ओवरऑल क्या होगा कि आपके 3 हेडर बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या किया, फिर यहाँ पे ये 3/4 बैट आ गया, ये हाफ, ये 3/4 बैट आ गया, क्लियर है। तो इस टाइप से सारे के सारे अलाइनमेंट भी ब्रेक हो जाते हैं। जब आप टॉप फेस देख रहे हैं तो टॉप फेस कैसा होगा, टॉप फेस में आप जान रहे हो कि ये इस टाइप से आ रहा होगा, ये सारे के सारे हेडर्स ऐसे आ रहे होंगे, बट हाफ बैट कैसे आ रहा होगा, हाफ बैट सिर्फ इतना आ रहा होगा, क्लियर, क्योंकि आधा यूज़ किया ब्रेक करके आपने यहाँ पर भी, तो इसलिए फिर से आप यहाँ पे हाफ बैट अलग से लगा देते हैं, और ओवरऑल ये क्या होता है, 1 ब्रिक थिक की वॉल आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि स्ट्रेंथ को बियर कराने के लिए आपको मिनिमम थिकनेस वॉल की कितनी रखनी चाहिए। अगर आप लोड बियरिंग वॉल बना रहे हैं तो एटलीस्ट 1 ब्रिक थिक की तो वॉल होनी चाहिए, उसके बाद 1.5 या 2 ब्रिक आप जितना बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 ब्रिक थिक की तो वॉल अगर आपको बनानी ही है, अगर आप लोड बियर करा रहे हैं। पार्टीशन वॉल या स्ट्रेचर बॉन्ड को कभी भी जो है वो लोड बियरिंग वॉल नहीं माना जाता है, वो यही मान के चलते हैं कि जो है वॉल सारी की सारी पार्टीशन वॉल्स हैं, क्लियर। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में।